हरे कृष्णा, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित सोनी डिजिटल मार्केटर चैनल को। तो आज हम बात करने वाले हैं, बेसिकली आज एक vid.io करके प्लेटफॉर्म है, इसका मैंने एक फर्स्ट पार्ट बना रखा है। तो आज मैं इसका सेकंड पार्ट बना के आपको इसमें बताने वाला हूँ कि बेसिकली अगर आपको नहीं बताया तो vid.io एक बढ़िया सा वर्क स्पेस कह सकती हूँ वीडियो के पर्पज़ के लिए, जो आप अपने वीडियो रिलेटेड वीडियो एडिटिंग करना, उसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, सब टाइटल जनरेट करना, ट्रांसक्रिप्शन करना वगैरह वगैरह, सब जितने भी ऑप्शन है वीडियो रिलेटेड वहाँ पे आप कर सकते हो। टाइप्स ऑफ ऐसे आप मार्केटिंग वीडियो, यूट्यूब वीडियो और भी मल्टीपल्स वीडियो वहाँ पे बना सकते हो और बहुत सारे काम है जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बजट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप फ्री में इसे यूज कर सकते हो। पेड वर्जन पे जाओगे तो भी आपको 200-300 रुपए में मंथली का प्लान आता है और उसमें भी आप बढ़िया लेवल का काम कर सकते हो। तो काफ़ी लोग इसको यूज करें, काफ़ी ट्रैफिक वगैरह भी बढ़िया से आती है। और फर्स्ट वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आया तो सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, और अगर आप नए हो तो भी आप इसको समझ पाओगे। तो vid.io कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है और क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए सब बताऊंगा इसके अंदर। वीडियो में देखिए, वीडियो को देखते रहिए एंड तक, इस बात के लिए लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अपने आगे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डर हमने ऑन कर दिया है, देख सकते हो। प्लेटफॉर्म के लिए आपकी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, vid.io करके प्लेटफॉर्म है। एनीवन कैन मेक ए ग्रेट वीडियो, दैट्स मींस यू। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे नीचे तो यहाँ पे देख सकते हो टूल्स का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में जाओगे तो मल्टीपल्स, जो कि मुझे याद भी नहीं रह गए आपको बताने के लिए, तो आप देख पाओगे प्रोडक्ट्स के अंदर टूल्स में आप देखिए वीडियो एडिटिंग हो गया, सब टाइटल ट्रांसक्रिप्शन टूल किट वगैरह, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन। ए अवतार भी बनाता है, ठीक है, अभी इमेज भी जनरेट करता है, ए आई वीडियो एडिटर भी है, बहुत सारे AI रिलेटेड इसमें ऑप्शन आ गए। अभी स्क्रीन रिकॉर्डर है, उसके बाद फिर यहाँ पे सब टाइटल, यहाँ पे यूज केसेस में क्या क्या ऑप्शन यूज केसेस में आते हैं इसके, वो सब यहाँ पे दे रखे। तो यानी कि एक बहुत बड़ा वर्क स्पेस कह सकते हो इसको, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा यूज करने में, और आप किस तरह से यूज करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्राइजिंग में आपको स्टार्टिंग से फ्री में मिल रहा है, और उसके बाद फिर आप पेड वर्जन की तरफ देखोगे तो भी वो भी बजट में होगा आपके। तो देखिए यहाँ पे बेसिक जो प्लान है वो 291 रुपीज़ मंथली है, जिसमें आपको वाटरमार्क रिमूव हो जाता है, एक्सपोर्ट कर सकते हो 25 मिनट तक का लॉन्ग वीडियो, और 60 मिनट तक जो सब टाइटल ट्रांसलेट कर सकते हो पर यूजर के ऊपर, ठीक है। तो फ्री में भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स के लिए आप पेड वर्जन की तरफ जा सकते हो, और भी नए फीचर्स के लिए, ठीक है। तो अपने सिंपली साइनअप पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप गूगल के जरिए, एप्पल के जरिए, या फिर अपने ईमेल से आप साइनअप कर सकते हो। तो गूगल के जरिए कर लेते हैं। तो ओपन अपने साइनअप करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे अपना नाम वगैरह दे सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे फिलअप करनी होगी थोड़ी बहुत जानकारी, व्हाट विल यू यूज वीड फॉर माई जॉब, एजुकेशन, पर्सनल प्रोजेक्ट वगैरह। तो यहाँ पे आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हो, व्हाट इज़ पर्पज़ योर वीडियो, किस रिलेटेड आपके वीडियो। तो यहाँ से आप आई वांट टू मेक मनी, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर फन, और यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर योर टूडे आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग, आप क्या करना चाहते हो, नीड इट टू मेक ए वीडियो नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, हाउ मैनी वीडियो डू यू प्लान टू क्रिएट विथ, जस्ट वन वीडियो, वन पर मंथ, वन पर वीक वगैरह, जो भी आपने आई एम नॉट श्योर पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू यू फील अबाउट वीडियो एडिटिंग, आई नीड गाइडलाइंस, यहाँ आई एम कॉन्फिडेंस, आई कुड लर्न ए फ्यू थिंग्स, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंस, हमें वीडियो एडिटिंग वगैरह तो आती है, नहीं आती तो आप फिर अपने सिलेक्ट लेना अपने हिसाब से। व्हाट हाउ डिड यू हेयर अबाउट वीड, तो हमें इसके बारे में किस जरिए पता चला, तो यहाँ से आप जो भी लिखने लगा यूट्यूब वगैरह से ही आप कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ से आपका नाम दे सकते हो टीम वगैरह के लिए, यहाँ पे भी हम इन्वाइट कर सकते हैं, फिलहाल कंटिन्यू करेंगे। प्लान में हम यहाँ पे गेट स्टार्ट फ्री से करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इस vid.io का डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जिसमें आप अपने वीडियो रिलेटेड वीडियो पर्पज़ का काम कर सकते हो, ठीक है। तो तीन ऑप्शन है, क्रिएट प्रोजेक्ट, सेकंड है रिकॉर्ड वीडियो, एंड थर्ड है क्रिएट अवतार वीडियो, ठीक है। तो अवतार वीडियो भी आप इसमें बना सकते हो। टेम्पलेट है, ब्रांड किट है, जिसमें आपको टेम्पलेट्स, यानी कि आपको अगर वीडियो किसी पर्पज़ के लिए बनाना हो लाइक मार्केटिंग वगैरह, तो यहाँ से आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, उसको आप कस्टमाइज करके बढ़िया लेवल का बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरी भी मिलती है, फिल्टर भी मिलता है साइज अनुसार। फिर आप यहाँ पे सेल पिच वीडियो यहाँ पे करके अपने जो भी रिलेटेड काम है उसको सर्च कर सकते हो। तो ये हो गया आपके काम। उसके बाद प्रोफाइल दे रखी है, प्रोफाइल में माई वर्क स्पेस वगैरह जो भी आप सपोर्ट वगैरह चाहते हो इनसे ले सकते हो। तो सिंपली अभी यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं।
तो अभी यहाँ से आपके पास अगर प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट लीजिए, ठीक है, आपके जो भी वीडियो रिलेटेड यहाँ पे आपके जो आउटपुट्स निकले आपने जो रिकॉर्ड किए उसको एडिटिंग के लिए स्टॉक ले सकते हो, वीडियो स्टॉक इमेज साउंड इफेक्ट भी ले सकते हो वगैरह वगैरह ऑप्शंस है। यूज टेम्पलेट करके यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह दे रखे हैं, उनके भी आप यूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक वीडियो ले लूँगा अपने, ठीक है, अंदर से, जो कि अपने यहाँ पे आपको ये अवतार में आप देख पाओगे, ये अवतार आपको मिलते हैं जिसमें आप ये अवतार सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं अपने एक ले लेता हूँ फाइल में। तो अभी हमने यहाँ से ले लिया अपने लैपटॉप से अंदर से, ठीक है, अपने फाइल से ले लिया है। और यहाँ से हमें एक ये वीडियो आपने नहीं देखा देख सकते हो, न्यूज़ रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, ये नेक्स्ट लेवल वीडियो था, काफ़ी मस्त वीडियो बना था, ठीक है। तो आपको भी देखना है तो आप अपने देख सकते हो, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एक बढ़िया सा वीडियो न्यूज़ रिलेटेड बनाया था। तो अभी आप देख सकते हो उसके अंदर इतने सारे मल्टीपल्स लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिलते हैं, मीडिया, ऑडियो, सब टाइटल, टैक्स, एलिमेंट्स, टेम्पलेट, रिकॉर्डिंग, ट्रांसलेशंस वगैरह, फिल्टर्स वगैरह, इतने सारे मल्टीपल ऑप्शन है जिसमें आप अपने काम कर सकते हो वीडियो रिलेटेड। तो यहाँ से हम ऑडियो में पहले क्लिक करेंगे, ऑडियो देख सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच का भी ऑप्शन है, यहाँ पे टेक्स्ट देना है और उस टेक्स्ट के बदले आप वॉइस ले सकते हो, ये वॉइस यहाँ पे आपको सुनना है कौन सी वॉइस आपको पसंद आती है, नॉर्मल, कैजुअल, नरेशन, हैप्पी वगैरह, एक्साइटेड वगैरह, इतने सारे मल्टीपल वॉइस स्टाइल है। उसके बाद वॉइस में आपको हिंदी का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप हिंदी में ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश में ऑप्शन है सब, ठीक है, मेल फीमेल वगैरह यहाँ पे आप पहले सुन सकते हो हिंदी इंग्लिश में, तो अपने आप जो भी आप वर्ड्स दोगे उस हिसाब से आपके बोल के वो कर देगा ट्रांसलेट। यहाँ पे लैंग्वेज का ऊपर ऑप्शन है, सॉरी, तो यहाँ से आप लैंग्वेज अपने हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद फिर आपको टेक्स्ट टू स्पीच का भी ऑप्शन इसमें आप कर सकते हो, स्पीड भी उसकी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये फिलहाल अभी हम नहीं करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच रिलेटेड आपको काम हो तो केवल बस सिंपली टेक्स्ट देना हो यहाँ पे आप जनरेट कर पाओगे। तो वापस आते हैं अपने सब टाइटल अपने ऑडियो के ऊपर पहले आ जाते हैं, और वॉइस ओवर भी कर सकते हो, उसके ऊपर आपको डायरेक्ट माइक ऐड कर देना और आप बोल के वॉइस ओवर कर सकते हो। फाइल है तो फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आप जैसे कि आपके वीडियो को चल रहा है उसके अंदर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, तो सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक आपके वीडियो के नीचे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से अपने ये बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी ऐड कर सकते हो, आपको जो पसंद आता है वो पहले आप सुन लेना और उसके बाद फिर जो पसंद आए वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ गया है तो इसे आप पूरी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कस्टमाइज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ और अभी आते हैं सब टाइटल के ऊपर। सब टाइटल में आपको देखिए ट्रांसलेट है, सब टाइटल है, मैन्यूअल ट्रांसलेट है, अपलोड आप फाइल कर सकते हो सब टाइटल की अगर आपके पास हो तो। अभी आपको अगर नहीं आ रहा तो सब छोड़ के आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो कैप्शंस के जरिए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और न्यू इन योर न्यू लैंग्वेज में आपको करना है, तो सब टाइटल योर वीडियो इन न्यू लैंग्वेज, तो न्यू लैंग्वेज के लिए आपको कौन सी आपके वीडियो की कौन सी लैंग्वेज है, अभी मैं फ़िलहाल हिंदी करूँगा, वीडियो की लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। और वॉन्ट टू यू टू यू सी, तो यहाँ से हम इंग्लिश करेंगे इसको, जो कि हमारे इंग्लिश में सब टाइटल बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इंग्लिश कर देता हूँ, यहाँ पे हम इंग्लिश नॉर्मली US इंग्लिश करेंगे, क्रिएट सब टाइटल पर क्लिक करेंगे तो वो भी ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जितने यहाँ पे पूरी तरह से फिलअप हो जाएगी लाइन वो यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ ही फ्यू सेकंड्स में हो गए जनरेट और ये सब इंग्लिश में हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो हिंदी में वॉइस है उस हिंदी को वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस तरह से यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया लेवल का फास्ट एड टूल है जिसमें आप इस तरह से कर सकते हो। अभी इसको हम सब टाइटल में हिंदी में भी बना सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट हुआ है, तो आप अपने वीडियो को ट्रांसलेट भी कर सकते हो। लाइक अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, तो देख पाओगे काफ़ी मस्त लेवल की अपने, ये देखिए यहाँ पे नीचे सब टाइटल आ रहे हैं, बैकग्राउंड में इसको थोड़ा अपने ट्रांसलेट कर दिया है, कम इसके ओपासिटी कम कर दी है जिससे ये थोड़ा बेटर दिखे यहाँ पे, और जो वीडियो के अनुसार अपने टाइमिंग के अनुसार ये दिखाई दे रहा है हमें। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली AI के जरिए अपने ये सब टाइटल जनरेट हो गए हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो ये आप अपने लैंग्वेज के रिलेटेड भी कर सकते हो, उसके बाद फिर यहाँ से आप इसको सिंपली यहाँ से इंग्लिश से आप जो भी लैंग्वेज में ओरिजिनल लैंग्वेज है, तो ये देखिए ओरिजिनल लैंग्वेज में आ गए। तो आप बस अपने बस आपको एक क्लिक पे
ट्रांसलेट अपने सबटाइटल ऐड हो जाएंगे, आपको उसको किस लैंग्वेज में करना है वो फिर आपको यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी सिंपली, बस और कुछ नहीं करना है। तो भाविश मैं इसको इंग्लिश रखूँगा और यहाँ पे स्टाइल में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको किस, देखिए यहाँ पे जो ये अपने बैकग्राउंड हमने कहा ओपासिटी कम है, आपको पसंद नहीं आती तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सिलेक्टेड भी यहाँ पे देख पाओगे, जैसे कि यहाँ पे ये हाईलाइट है जिसमें जो वर्ड्स बोले जाएंगे वो हाईलाइट किए जाएंगे, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट के लिए यहाँ पे क्लिक किया है और इसको भी हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और यहाँ पे सेंटर वगैरह जितने भी ऑप्शन हैं मल्टीपल कर सकते हैं इसको, और अपने टेक्स्ट की अपने फॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया लेवल का ये टूल लग रहा है जिसमें आप ये सब काम आसानी से मस्त लेवल से आप कर पाओगे। और यहाँ पे मैं एक बार सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये स्टाइल कर लेता हूँ, इसमें DM सेंस करके ठीक है ये आ गया है, और इसको हम थोड़ा ऊपर रखेंगे जबकि बढ़िया लेवल से लगेगा। यहाँ पे इफ़ेक्ट में आप इफ़ेक्ट वगैरह दे सकते हो, शेडो है, यहाँ पे बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड रखेंगे, डीएक्टिव हो जाएगा वापस ये अपने ये सॉरी यहाँ पे जो कि अपने हमने सिलेक्ट किया था इसका अपने जो कि हाईलाइट था वापस बैकग्राउंड में ऐड कर दिया, तो भी कोई बात नहीं, इसको हम वापस रिमूव कर देते हैं। इस तरह से आप सब टाइटल कर सकते हो। बयाद टैक्स की बारी, टैक्स में आप अपने वीडियो के अंदर टैक्स ऐड कर सकते हो, लाइक कहाँ पे आपको टैक्स देना है वो यहाँ पे आप जैसे ये देखिए टैक्स यहाँ पे आप इस टाइमिंग के ऊपर जहाँ पे अभी आप टाइमिंग रखोगे वो टैक्स आपके ऐड हो जाएगा, तो टैक्स भी आप दे सकते हो। और टैक्स के लिए आपको बस सिंपली टैक्स का ऑप्शन है यहाँ पे, कोई भी बढ़िया लगता है वो सिलेक्ट करना है और उसको आपको बस जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। एलिमेंट्स के अंदर आपको एलिमेंट में आप देख पाओगे प्रोग्रेस बार है वगैरह वगैरह, यहाँ पे 3D अपने एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि आपके रिएक्शन के लिए अपने कोई भी इमोजी है, आप जो भी बोल रहे हो उस रिलेटेड आप जो भी कहना चाहते हो वो एलिमेंट्स के मुताबिक कह सकते हो ठीक है। ये अवतार यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है ऊपर, और उसके बाद एक टैम्पलेट है, टैम्पलेट हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। और रिकॉर्डिंग में आप देख पाओगे स्लाइडर एंड कैमरा है, स्क्रीन एंड रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, केवल ऑडियो यहाँ पे आप जो कि रिकॉर्डिंग के लिए ठीक है, रिकॉर्डिंग जो करना चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ पे। तो आपके अगर आप कैमरा करोगे तो आप कैमरा ऑन जो हो जाएगा आपके विंडोज, आप जो भी आप काम अपने लैपटॉप के अंदर कैमरा वो ऑन आ जाएगा और फिर आप उससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स है ठीक है, ट्रांजेक्शन में आप इफेक्ट लगा सकते हो अपने वीडियो के ऊपर, और यहाँ पे आप जो भी मल्टीपल देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वीडियो में, इफेक्ट आते हैं ठीक है बीच बीच में, तो आपको जो भी जहाँ भी ऐड करना है उस इफेक्ट को आप ऐड कर सकते हो, जो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो हमने कट किया ठीक है, यहाँ से आप स्प्लिट करके कट करके फिर आप इस ट्रांजेक्शन्स को ऐड कर सकते हो अपने, और इस तरह से आप अपने ट्रांजेक्शन लगा सकते हो। देखिए फिलहाल मैं आपको ये इस तरह से आपका ये ठीक है ट्रांजेक्शन आ गया है बीच के अंदर, तो आपको जितने पसंद आते हैं उस हिसाब से लगा सकते हो। फिर फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर में आप देख पाओगे कुछ इस तरह के यहाँ पे फिल्टर्स दे रखे हैं, जो कि यहाँ पे ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है यहाँ पे, जो कि अपने माइनस पॉइंट है, अपने सही तरह से नहीं बना पा रहे इसको, तो आप फिल्टर देख लेना, अपने फिल्टर लगा सकते हो। ये फिल्टर अपने वीडियो को थोड़ा लाइटिंग के लिए, थोड़ा ब्राइटनेस के लिए वगैरह वगैरह काम आता है ठीक है। तो सब ऑप्शन हमने ऐड कर दिए इसके ऊपर जो पसंद आ रहे थे वो, उसके अलावा बस इतने ऑप्शन दे रखे जो कि सब आपके इसमें आ गए। अभी यहाँ पे देखिए अपने स्लो इंटरनेट कनेक्शन आप सामने आपको दिख ही रहा होगा ठीक है, तो ये स्लो चल रहा है अभी यहाँ पे इंटरनेट। और फिर आप वीडियो पे क्लिक करके वीडियो में एनिमेशन दे सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो ब्राइटनेस है, उसके अलावा जो भी आप देखें यहाँ पे इफेक्ट के लिए आपको जिस तरह से पसंद आती है, अपने ब्राइटनेस बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपोज है, हाऊ है वगैरह, इतने ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन है। साउंड के लिए आपको साउंड और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है आपको तो वो कर सकते हो, वीडियो की स्पीड घटा बढ़ा सकते हो, फेड कर सकते हो ऑडियो इन आउटपुट अपने इन आउट में कि आपको ऑडियो कैसे बाहर की तरफ चाहिए अंदर की तरफ आपके सुनाई दे वो कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे प्रीमियम वर्जन है, मैजिक टूल है, क्लीन ऑडियो है करके नॉइस रिमूव करता है, जिसमें यहाँ पे फिलहाल ये अपने पेड वर्जन की तरफ है। आई कॉन्ट्रैक्ट है, रिमूव बैकग्राउंड है, ग्रीन स्क्रीन आप कर सकते हो रिमूव उससे, उसके अलावा यहाँ पे रिमूवर साइलेंस है, राउंड क्राउन कर सकते हो इसको यहाँ पे वीडियो को, जिसमें देखिए राउंड यहाँ पे क्रव हो गए, इसको हम मार्जिन ऐड करके लाइक 20 सब की तरफ से तो हम यहाँ पे 50 करके, तो यहाँ पे और भी राउंड यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक में आपको यहाँ पे राउंड दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैं 50 करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 50 हो गया है। तो इस तरह से आप अपने ये कर सकते हो, रूटेड कर सकते हो, किस तरह से ओपासिटी अपने ओपासिटी कम करना चाहते हो बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। उसके अलावा डायरेक्शन स्टार्ट एंडिंग में आपको किस तरह से रखना है, उसके अलावा रिप्लेस वीडियो डिटेल्स ऑडियो, बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं ठीक है। तो फिलहाल अपने इतने सारे बोल बोल के थके, यहाँ पे ऑप्शन कम नहीं हो रहे,
तो सिंपली आपको ये सब होने के बाद आपको वीडियो पे डन पे क्लिक करना है। सब टाइटल हमने ऐड कर दिए इसके ऊपर। यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे, वाटरमार्क आएगा साथ में, रिमूव करने के लिए आपको पेड वर्जन लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है ये वीडियो, तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा वीडियो रेंडर हो रहा है, हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। तो इस तरह से आपका पहले वीडियो रेंडरिंग होगा, यानी कि पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है, पूरा आपने जो एडिटिंग किया वो वापस रीजेनरेट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे फुल अपने 100% आने के बाद आप उस वीडियो को डाउनलोड कर पाओगे, और यहाँ पे आपको वाटर मार्क दिखाई देगा इसके ऊपर, ठीक है। तो वाटर मार्क रिमूव के लिए आपको पेड वर्जन जो कि 219 रुपये के आसपास जो भी था वो आपको बाय करना होगा, ठीक है। तो ये वीडियो फिलहाल हो गया हमारा रेडी, और यहाँ से हम इसको देख पाएंगे। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, शेयर का भी ऑप्शन है, और मल्टीपल ऑप्शन है, वो यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे कॉपी लिंक करके लिंक भी डायरेक्ट दे सकते हो, ताकि लोग इसी वेबसाइट के ऊपर आपका वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और आपको इस वीडियो की जो ये पार्ट है वीडियो के बीच में ऐड करके दिखा दूँगा किस तरह से वीडियो बनाएं, जो कि आप देख के बता देना, ठीक है। तो ये सब वीडियो में आप देखा होगा आपने, ये जो अपने सब टाइटल केवल हमने ऐड किए, ठीक है। तो बाकी और भी एडिटिंग आप जो भी करोगे वो सब आपको इसके अंदर बढ़िया लेवल की देखने को मिलेगी, और जिसमें आप जो भी आप काम किया है वो मस्त लेवल का काम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया लेवल से सब टाइटल ऐड की है, सब टाइटल के लिए काफ़ी मैं इसको हाई रेटिंग दूंगा यहाँ पे, जो कि हमने इंग्लिश में बनाया, ठीक है। आप जो भी अदर लैंग्वेज में बनाना चाहते हो, सब लोग आपके वीडियो देखे तो आप इस तरह से लैंग्वेज भी सिलेक्ट करके बना सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो फीचर्स है वो फिलहाल यहाँ पे अपने, एक बार मैं इसको बैक कर जाता हूँ, इससे भी यहाँ पे आपको एक क्रिएट अवतार वीडियो, एक नया ऑप्शन इसके अंदर ऐड हुआ है, जिसमें आप क्रिएट नया अवतार वीडियो जनरेट कर सकते हो, और अवतार आपको यहाँ पे अपग्रेड ऑप्शन है, ठीक है। तो फिलहाल आप फ्री में अवतार नहीं बना सकते हो, लेकिन अवतार इसके अंदर भी आपको मिलते हैं, जो कि आप यहाँ से जो भी आपको पसंद आता है वो अवतार ले सकते हो। और यहाँ पे अवतार वीडियो टेक्स्ट के जरिए, ऑडियो फाइल के जरिए आप अपना अवतार बना सकते हो। अवतार वीडियो क्या होता है, हमने आगे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे, तो आप देख सकते हो। अभी जस्ट हमने कुछ ये एक दो दिन पहले ही अपने ऐड किया है वीडियो, तो वो भी आप देख पाओगे, वो भी यही अवतार वीडियो है, इसमें टॉकिंग करके यही अवतार अपना वीडियो बनता है, ठीक है, बनाता है वो। तो वो भी आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलता है, और बाकी अपने रिकॉर्ड वीडियो वगैरह ऑप्शन है वो आप देख पाओगे। और जो बाकी जो फीचर्स है वो आपको इसके अंदर एक क्रिएट प्रोजेक्ट के अंदर ही सब मिल रहे हैं। और आपको अगर ये आर्ट वगैरह जनरेट और मल्टीपल ऑप्शन दिखे, वापस आपको इसको साइन आउट कर देना है, और वो आपके बिना लॉगिन किए आपके यूज करने के लिए होंगे। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करूँगा, और लॉगआउट करके यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे प्रोडक्ट में, अपने ये टूल्स में आएंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर टूल है, और ये टूल में ये इमेज जनरेट है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो इसको आपको बस सिंपली यहाँ से आपको यूज करना होगा, आपको डैशबोर्ड के अंदर वो नहीं दिखाई देगा, आपको बस अपना टेक्स्ट दे देना है जो भी आप चाहते हो, फिर यहाँ पे जनरेट पे, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे कि डॉग, ठीक है, और जनरेट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डॉग रिलेटेड को ये फोटो आपके इमेज सेटिंग में आप टेक्स्ट से इमेज आप इस तरह से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट में जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें मिल रही है वो आपको अगर वहाँ पे नहीं दिखाई देती है, तो आप लॉग आउट करके वापस यहाँ आके आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके रिकॉर्डर में जो भी है, जो भी इतने ऑप्शन है वो यहाँ पे ले सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे डॉग का हमने किया था वो आ गया, यहाँ पे हम सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, और इसका कोई भी अपने लॉगिन वगैरह साइन अप करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल जो भी टूल है उन आपको उसको यूज करने के लिए इसी तरह से बिना लॉगिन किए इनको यूज करना होगा, ठीक है। तो सब फिलहाल मैंने बता दिया क्या क्या नए फीचर्स थे, क्या क्या इनके लिए यूजेस थे, वो आपको मैंने सब आपके साथ शेयर कर दिया। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो पार्ट वन भी देख सकते हो, और पार्ट वन समझ में नहीं आ रहा सब सोच सकते हो, मैंने सब डिटेल वाइज इसमें वापस पूरा बता दिया है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं और ऐसे नए यूजफुल इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा।